माहे रबीउल अव्वल जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मंसूब है, फिर आप सब लोगों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की विलादत से मंसूब ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। साफ बताते हैं कि आप आते हैं, यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। सारी तारीफें तमाम हमदो सना सब मिधतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम, दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम उनकी आल और उनके अस्हाब पर। राह गुजर चांद सितारे दर्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम इंसानों को जिसमें इंसानियत की जरा सी भी रमक बाकी है, हर उस इंसान को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत या इस नूर के जहूर की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मरहबा सल्ले अला की है सदाए लब पर, लोग सदके हुए जाते हैं कि आप आते हैं। जिस हस्ती का आज तस्करा है उससे बेहतर कोई वसीला नहीं हो सकता कि अगर हम अपने तमाम तर मरहूमीन को उनकी ज़ात का वसीला देकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला देकर उनके लिए मगफ़रत भी तलब करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह कर के अल्लाह को मनाना मुश्किल है। बे आले पैगंबर अहमद को अपना भी बनाना मुश्किल है, और जो आल नहीं अहमद भी नहीं, अहमद जो नहीं तो कुछ भी नहीं, और जब तक ना हो सबके सब राजी फिर दौस में जाना मुश्किल है।